भक्तजनों, अब श्री जगदम्बा महाशक्ति भवानी पार्वती रा अवतार श्री करणी माता री कथा सुनाऊ हूँ। सुनो, बोलो श्री करणी माता की जय। क्षमा हे माता घणी क्षमा, हे महाशक्ति जगदम्बा करणी घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा, हे पार्वती अवतारी करणी घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा, हे देश नौकरी करणी माता घणी क्षमा हे माता घणी क्षमा। जी के घर आंगन में थे अवतार लियो, थे अवतार लियो, शक्ति ज्योति जला कर चारण कुल ने अमर कियो, चारण कुल ने अमर कियो, देवल री जायाणी करणी, देवल री जायाणी करणी घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा, हे देश नौकरी करणी माता घणी क्षमा हे माता घणी क्षमा। पापी का नाने मारण ते सिंह रो रूप धर्यो, सिंह रो रूप धर्यो, राज दियो ऋण मल्ले खुद हाथा से तिलक करो, हाथा से तिलक करो, देव्यारी महादेवी करणी, देव्यारी महादेवी करणी घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा, हे देश नौकरी करणी माता घणी क्षमा हे माता घणी क्षमा। बन्ना ने ज्योति देवी रो उद्धार करो, वीरो उद्धार करो, कई डूबता को थे माता बेड़ो पार करो, बेड़ो पार करो, भक्तारा दुख हरने वाली, भक्तारा दुख हरने घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा, हे देश नौकरी करणी माता घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा। हे देश
महाशक्ति जगदम्बा करणी जय मां करणी जय मां करणी पार्वती अवतारी करणी जय मां करणी जय मां करणी कष्ट निवारे जय मां करणी जय मां करणी जय मां करणी पार लगाए नैया करणी जय मां करणी जय मां करणी प्रेम से बोलो जय मां करणी जय मां करणी जय मां करणी सारे बोलो जय मां करणी 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 जय आसोज मास उज्ज्वल पक्ष सातम शुक्रवार 1494 आयु अवतार ओ किसो गर्भ है 2100 मिनो चाले है नौ नौ महीना रा टाबर तो मैं बहुत जन्माया पर 21 महीना रो तो गर्भ देखो ही कोनी लागे कोई देवी देवता ही प्रकट होसी थाली बाजने में हाल कितनी की देर है काको सा थाली अबारी अबार बाजेली और जरूर बाजेली जरूर बाजेली हाँ और राजकुमार जन्मेला राजकुमार जन्मेला थारे मुंडे में घी शक्कर बेटा भाई साहब फिर लड़की हुई है ने? लड़की जन्मी है अरे लड़की लड़का में काई फर्क हुआ है मियां जी मां बाप रे वास्ते तो दोनों एक ही है और भगवान की मर्जी रे आगे किन्हीं कोई जोर चाले है आप क्यों चिंता कर रहे हो मियां जी अपने घर में तो लक्ष्मी आई लक्ष्मी लड़को लड़की एक ही हो अपने तो लक्ष्मी आई है मैं तो लड़की ने लक्ष्मी रो रूप ही मानू हूं पर कई बार ख्याल में आ जावे है कि जगदम्बा मने एक बेटो दे देती तो इन वंश रो नाम रह जातो बुआ जी अपने डेरा में लक्ष्मी जन्मी है लक्ष्मी लक्ष्मी जन्मी है पांच पांच भाटा तो पहले से ही बैठा है और वो छोटो भाटो फिर आ गए मारे हाथ में कहीं हो गयो आंगरे खुले कोनी भाभी सा भाई सा भाई सा कहीं हुए भाई मारी आंगरी सीधी कोनी होवे भाई सा आ तकलीफ कत्सो हुई भाई सा मैं छोरी खानी ठूसो दिखायो और बस इतरो कहो पांच बैठा तो पहले सु ही बैठिया है और छोटो और जन्म गयो पैसा उन्हें तो अछोरी अपशुकनी लागे है अपशुकनी अपशुकनी देवल तू काई भूल गई कि तने भ्रम हुयो है तने याद कोनी कि आसु चार पांच साल पहले मैं तने सपने में कहो हूं कि इन बार थारे गर्भ सु मैं खुद अवतार लेकर तुष्टारो दमन करूं मारे लाडली अपशुकनी कहीं हो सके सो जा
बिना समाचार दिया क्या आनो हुए भाई? समाचार? समाचार तो आपने केवना चाहिए हाँ। भाभी सारो हाथ टूट गयो और मने खबर भी कोनी। ओ बापूजी के वास्ते और ओ माँ के वास्ते और ये पांच लाडू बैना के वास्ते और बाकी लाडू मैं इकली खासू और मारे वास्ते एक भी कोनी। थे तो पहले सो खा के आया हो चो। बहुत नटखट होगी है। अरे थारा केस तो उलझोड़ा पड़या है। माथे में कंगी कोनी फेरी? कंगी कौन फेर तो बाकी तो हाथ में लग गयोड़ी है। चल मैं कंगी फेर दियू। नंदल भाई साने मारी कितनी चिंता है। बुआ जी काई करो हो थाने बार सवार न कोनी आवे काई? आवे तो है पर मारो हाथ खराब है। हाथ किया खराबी हो? थारे जन्म माथे जद में ठूसो दिखायो उन्हीं दिन से मारो हाथ खराब हो गयो। देखो तो बुआ जी हाथ में काई खराबी है? अरे मारो हाथ ठीक हो गयो एकदम से ठीक हो गयो भाई सा भाभी सा मारी आंगरा ठीक होगी देखो एकदम ठीक होगी। ये अचानक क्या ठीक हो गयो भाई? मैं भी तो देखो मारो हार करणी अपने हाथ में ले मारी मुड़ी आंगरा सीधी करण लगी तो एकदम सीधी होगी।
पैसा मैं तो रीति ने घनी अपसुगनी समझी पण आ आ हमारी भूल ही आ तो देवी रो अवतार है आज सु इंद्रो नाव रीति री जगह करणी राखू हूं करणी पैसा मैं तो स्वर्गवासी हूँ। नहीं। भाई साहब। तू ऐसे काम करो। आ कोनी हो सके? मारा बापू कोनी मर सके? के आप पाछा चला जाओ तो सांप काट गयो नहीं? कठे सांप काट गयो? आप तो बिल्कुल ठीक हो। ठीक हूँ? ओझा जी? हाँ? सांप रो जहर उतार दियो? उतारे को नहीं? सांप अपने मुंडे सु जहर चूसर पाछे चले गयो। काई बात करो हो ओझा जी? साची केवे है भाई साहब, सांप अबार ही गयो है। पर वो हुयो क्या? करणे भाई सारो चमत्कार। वो तो सचमुच चमत्कार ही हो गयो। अठिनिया जुग जुग जीवे मारी बेटी भगवान तने अमर करे बेटा नंदल भाई साहब यहाँ कहीं उदास बैठे हो? मैं आ सोचू हूँ भाभी सा, पांच बेटियां तो विदा होगी, अब ओ घर खड़ा दीना सुनो सुनो लगसी। हाँ, छोरिया ने पराए घर जानो पड़े है, माँ बाप रे दुख रो सहारो छोरो होया करे। चिको जगदम्बा, माने आज तक कुल दीपक कोनी दियो, कोनी दियो, कोनी दियो। करनी की माँ, जद भाग में छोरो कोनी तो पूजा पाठ सु काई मिल थोड़ी जैसी, थोड़ा दिना की बात और है, करनी और गुलाब का हाथ पीला हो जैसी, मैं आपके ससुराल चली जैसी, बीका बात तो अपन दुनियों के अलावा इन घर में उड़कुड़ रहसी। बापूजी, आप मारे घर से भगानो चाहो? आप बात तो थे सोचे ही मत, मैं तो ब्याह को नहीं करूं, मैं तो आपरी और मारी सेवा करू ली, मने आप बेटी नहीं बेटो ही समझो। अरे ढांडस बंधाने सु कहीं छोरी छोरो थोड़ी हो जासी,
अगर तन्ने बाईसा और बाबी सारो इतरो ही ध्यान है तो बाबी सारी गोदी में चांद सो बेटो दे दे। तो एक बार थारे बूढ़े सु कह दे तो साची हो जासी। बोल करणी बोल। बुआ जी दुखी मत हो, मैं थाने विश्वास दिलाऊं कि मारे माँ और बापूजी रो दुख जरूर दूर होवेला, ई घर में मारो भाई जरूर जन्म लेवेला। मैं बिने गोदिया खिलासी हालरियो हिलोरियो सुनासी पंडी को नाम सातल रखनो पड़ी। करणी मारी करणी, भाई सा कह दियो, भाभी सा कह दियो, मारी करणी। अब तो खूब आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। धन्य हो करणी। मैं तो जद हटूली, जद थे लोग अठे सु चला जाऊंगा। मैं राजपूत हूं, आगे बढ़नो जाना, पाछा नहीं। तू राजपूत है? अरे तने तो राजपूत के वाता शर्म आनी चाहे। प्रजारी रक्षा करने के बदले तू प्रजारी जान और माल ने लूट रहे है। ए छोरी, तू जाने कोनी किन सो बात कर रही है? मैं जानू हूं लुटेरो, धोखेबाजों, बेईमानों, दुराचारियों और अधर्मियों ने सही रास्ते पर लाड़ नहीं मैं आई हूँ, अत्याचारियों ने दंड देने नहीं मैं आई हूँ। बस बस, बहुत उपदेश सुन लियो, हर जा समय सुन, तारो काम करने दे। मैं जानू हूँ कि तू के काम करने जा रही है, गांव लूटने नहीं, मारे रहता तू एक दिन को भी कोनी लूट सके। अरे बिलान भर रही छोकरी और इतनी लंबी जबान, हाल तो बोल ही रही हूँ, जरूरत पड़ी तो लड़ू ली भी। मैं देखू हूँ तू कहीं कर सके। करणी माता की जय। करणी भाई सा कटे मिल से। करणी भाई सा बह बिराजे। अगला को बुआ सा, मारो नाम रिडमल है। भाई राव चुड़ा जीरा बेटा रिडमल। हाँ कहो, कहीं आनो होयो? सब राजी खुशी तो है? आपरी कृपा से सब ठीक है, आपरी महिमा तो रोज सुनतो ही हो, पर आज आपरा साक्षात दर्शन करण वास्ते मैं आपरे चरणा में आया हूँ। आवड़ माता थारी मदद कर सी, मने सब ठा है। महारानी मोहिले आपरे सागे छल कपट कर आपरे राज रो हक छीन लियो, पण धीरज राखो, समय कदे एक सार को नहीं रवे, सूरज डूबे तो पाछो उगे भी है, शुक्रो समय जरूर आवेला। माँ अले अले आहा, देख माँ आगे उन्हें भालो छोटे भाई साथ। हाँ बेटा करणी, ऐसा थारा ही प्रताप है। मेघ सिंह जी, मैं दुश्मन पर धाव बोलने से पहले देवी श्री करणी जी का दर्शन कर बांसुर जीत रो आशीर्वाद लेनो चाहूं हूँ। वो तो आप रो बहुत ही चोखो विचारणो है, सगड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो अब सोचनो का ही है। आपने जल्दी से जल्दी श्री करणी जी रो आशीर्वाद लेवण ने चालनो चाहिए। जय माँ करणी।
आयशा प्रणाम। जीवता रहो पुंगलरा राजा। शेखा जी अठीने कहिया पधारना होयो? मारे पुंगलरा आसपास घना ही दुश्मन हो गया है, वे मने चैन सु राज को नहीं करन देवे। इन वास्ते मैं बात दुश्मना से मुकाबलो करना जा रही हूं। आप मन आशीर्वाद दो, आ लड़ाई जीत कराओ। भारी आशीष तो हमेशा थारे सागे रहसी। आवड़ माता री कृपा सु ए लड़ाई में थारी जीत होसी। करणी मां। शेखा जी आज मारा मेहमान बनकर विश्राम करो, काल छांजर के रवाना हो जाई जो। मन क्षमा करो जी जी भाई सा, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, मैंने आज जानो पड़सी। तो आप सगड़ा जना अठे से भोजन पानी करके पधारो ला। मां करनी रो हुकम है, ये सगड़ा भोजन अठे करके जाओ। अन्नदाता, करनी माता का ना खाना तो एक आदमी को ही लाग गया। तो काई नहीं आपा तो ये लोग हाथ पसार दीजो और करनी माता रो प्रसाद समझ ले लीजो। आज मौको है, मांग ले कहीं और मांगनो हुए तो। धन्य हो मेहा जी, आपरे आंगने साक्षात अन्नपूर्ण अवतार लियो है, नहीं तो एक आदमी रे भोजन सु इतरा आदमिया का पेट कोनी भर सके। आज तो माता जी रो प्रसाद पाकर सगड़ा रा पाप धुल गया। मां अबे आप मने अमरता रो वरदान दियो। पागल पनेरी बाता मत करो, संसार में जो जीव जन्म लेवे तिने एक ना एक दिन तो मरनो ही पड़े है। मैं थाने का ही अमरतारो वरदान देव, मैं तो खुद भी अमर को नहीं रह सकूं, फिर भी मैं थाने मारक बताऊं कि खीम पेड़ री बनोड़ी खाट पर आंकड़े री छाया में बैठकर अमावस रे दिन काले मेंढे रो मांस रो भोजन मत ना कर जो। चित्ता दिन इन चारों चीजा सु बछोड़ा रेवला, उत्ता ही दिन थे जीवता रेवला। धन्य हो जीजी भाई सा, मैं आपरे दियोड़े मंत्र ने हमेशा याद रखू लो। अब मैंने चावन री आज्ञा दिराओ और आशीर्वाद दियो कि मैं आ लड़ाई जीत कराऊं। विजय रहो। बेटी तू तरकारी काट ले। अच्छा सुनो जी, करनी वास्ते बात करन गया हा, बात बैठी को नहीं कही? नहीं दाई जो घणो मांग्यो है। दाईजे की बात नहीं करनी की मां, शक्तिदान जी तो दाईजे रे वास्ते साफ मना कर दियो। तो फिर काहे बात है? करनी की मां, घर ठीक है, खानदान ठीक है, एकली करनी बठे राज करसी, पर मने छोरो जचो कोनी। मैं तो ढूंढतो थाक गयो करनी की मां, करनी के वास्ते कोई चोखोवर मिले ही कोनी।
देखो जी, आप रो शरीर कितो कमजोर पड़ गयो है। करणी रे भाग में जो लिखियोड़ो है वो ही हो सी। फिर चिंता छोड़ो माँ। पापूजी ने काई चिंता है माँ? बेटी बात आ है। पापूजी, आप मारे वास्ते लड़को ढूंढन री चिंता छोड़ो। अबे आपने मारे वास्ते लड़को देखन री जरूरत को नी। क्यों बेटी? करणी, तू पहले से कोई लड़के ने पसंद करे है बेटा? नहीं माँ, प्यासू पहला कोई लड़की खुदरे वास्ते लड़को देखे है काई? तो फिर तू किसो लड़को बतावे है? बिने जाने है कोई? मने ठा है माँ, तुम्हारे प्यारो संजोग बैठे ही बैठ सी। बैठे ही बैठ सी कठे? साठी का गांव में। बापूजी, आप साठी का गांव में चले जाओ, बटे केलू जी बारट को घर है, वहां से जाकर बात करो, आपके मर्जी के मुताबिक बात पक्की हो जासी। अरे संजा पड़ गई, आओ आवड़ माता ने धोख देवण ने चाला। चलो ने कितनी बार समझायो कि 1600 पहले ही जिन औरा ने चारो डॉलर सोया कर, पर सुनाई कोनी। अरे भाया सुन, आप कौन सरदार? मैं मेहा जी हूँ, केलू जी मायने विराजे है कहीं? हाँ सर। भाया मैं वासु मिलना चाहूँ। आभार इतला करूँ। मालिक, सुहाब गांव से मेहा जी बारट पधारिया है, वे आपसे मिलनो चावे। मेहा जी अवतारी करनी ना बापू, तह मायने पधारो, मनवार वास्ते मिठाई भिजवाओ। जय माता जी। जय माता जी रीसा। मायने पधारो। पधारो। हाँ अबे फरमाओ बारट जी, क्या पधारणो हुयो? केलू जी, मैं झोली फैलार आपरे दरवाजे आया हूँ। मैं भाई करनी रो ब्याह आपरे कुंवर देपा जी रे सागे करनो चाहूँ हूँ। आप तो मारे मंदी बात कह दी। करनी जी सी बाई सारे वास्ते तो मैं खुद झोली फैलाने तैयार हाँ। सारे जी मालिक। जा देपा ने भेज। जो हुकम मालिक। आप आरोगो कवर सा। हाँ आपने मैंने बुलावे। चलो केलू जी, आपने हाँ करया सु तो मारो जन्म सुधर गयो। पाए लागू सा। जीवता रहो बिराजो। देपा पहली आरा पांच छू, ए आसु थारा होने वाला सुसरा है। जीवता रहो जीवता रहो। नेहा जी आप थोड़ा जलपान करो। जलपान समझी जी, अब तो मैं आपने मारी बेटी दे दी, अब तो इन घर रो पानी भी कोनी पी सकू। मन क्षमा करो, ध्यान कोनी रहो, मारी एक अरज है। फरमाओ। दाई जी मैं आपरी कोई खास मांगनी होवे
तो मने हुकम फरमाओ, मैं करनी रे ब्याह में। क्षमा कर दो बापूजी, मने एक भी पैसो ब्याह में दहेज रे लिए कोनी चाहिए, और नहीं मैं बारात में सगले गांव ने ले जानो चाहूं। पण बेटा, ब्याह तो रीति रिवाज में करना पड़सी नी। हाँ कंवर जी, मारो मतलब यो है कि सगलो काम साधा रीति रिवाज हो जानो चाहे। जी सी थारी मर्जी। समझी जी, ब्याह री तिथि कदरी पक्की करूं। और तो आप रही ऊपर है, तैयारी तो थाने ही करनी है। आप जद हुकुम फरमाओला, बींद राजा ने लेर हाजिर हो जाशा। ले लो कुंवर जी, वो तो शगुन है। ले ले बेटा, ले ले। जिंता रहो। बधाई हो सा। Thank you.
रुको भाई, थोड़ा रुको। सारंग, हुकुम करो कंवर साहब। जिन औरा ने तिरस लागी होसी, अठे थोड़ी देर रुककर आने चारों पानी करा दे। इन मार्ग में तो कुआ तालाब की कोनी, फिर जिनावर पानी किया पीसी। चढ़ा तो जिनावर तिरसा मर जासी, साठी का कहिया पहुंचूंगा। आप लारे मुड़के तो देखो, आपने तालाब दिख सी। सगला जिनावर पानी पी ले सी, और आपरे वास्ते भी कोई ने भेज कर मंगवा लियो। अबार तो अठे की कोनी हो, तालाब बन गयो। सारंग, मायने मायने तो माँ दुर्गा बैठी है, जा देख तो। कहे के वो माँ दुर्गा बैठी है? हाँ हाँ। कंवर साहब, मैंने तो करनी बाई साई बिराज जोड़ा है। करनी जी बिराज जोड़ा है? हाँ सा। मायने चल। अरे बावड़ी रो मती, घणो अपशगुन हो जावलो। काई बात है, काई पीड़ा है आपने? चिंदनी सा, मैंने कारो पे चुकाट गयो। बस अब बाहर सब ठीक हो जैसे। रिनी सा, आप तो मने जीवन दान दे दियो है। चंदा, आज सुई गांव में एक भी बिच्छू पैदा कोनी हो विला। 600 साल पहले दियोड़ो करणी माता रो वरदान आज भी सत्य है।
मने पिछानी को निकाई मारो असली रूप देखिया होने आप इतना उदास क्यों हो गया इमें चिंता री काई बात है नहीं नहीं इसी कोई बात को नहीं मन ने आपरे चेहरे से लागे है कि आपने बहुत दुख हो रही है नहीं नहीं दुख चिंता किन बात री आपरे म्हारे घर में पधारने सु तो सारी चिंता ही दूर होगी नहीं आप म्हारे सुखी में छिपा रिया हो पर मैं जानू कि आप यह बात जरूर सोचता होगा कि संसार में दिखावण ने आपको और म्हारो पति पत्नी रो रिश्तो है साची बात यह है कि मैं आपने शरीर रो सुख को नहीं दे सकूं तो फेरो आपको पंच के यहां बढ़ेला तो मैं अपने मारे मन से कह हूं कि आप मारी छोटी बहन गुलाब बाई से दूसरो ब्याह कर लियो दूसरो ब्याह हाँ आपरी इच्छा है या आज्ञा आई मारी आज्ञा है और आई मारी इच्छा आपरी जो आज्ञा माँ माँ क्या बात है माँ जीजी भाई से आ रहा है करनी आवे है हाँ चल तो जीजी गुलाब जीजी माँ बेटी पापू बेटी चल बेटी मैंने चल हाँ बिना समाचार दिया एकदम कहीं आनो हुए हो बेटी जीजी भाई सर ने भारी घड़ी ओढ़ी आई हो सी इन वास्ते पधार गए है ना जीजी भाई सर हाँ मैं तो आके लाडली बहनी को नहीं लाडली बेटी भी हूँ ठीक कहवे है गुलाब मैं थारे वास्ते अठे आई हूँ और तने हमेशा हमारे सागे रेवन वास्ते कैवन आई हूँ सांची भाई सर हाँ बापूजी हाँ बेटा गुलाब बायरे ब्यावरे तैयारी करो तो काई गुलाब वास्ते वर ढूंढ लियो ढूंढियो ही काई मैं तो ब्याह पक्को ही कर दियो किसे ठिकाने पक्को करियो है बेटा केलू जी के घर पर भारे तो एक ही बेटो है देपा जी हाँ बाके ही सागे बाके सागे गुलाब बायरो दूसरो ब्याह पक्को कर दियो है पर बेटी थारे होते हुए देपा जी को दूसरो ब्याह हाँ आप दोनियारी इच्छा पूरी करण री खातिर मैं वासु ब्याह करियो हूं कहीं आप लोग मारी इच्छा पूरी नहीं करोगा नहीं बेटा आ बात को नहीं पर गुलाब इन रिश्ते वास्ते मान जासी थे चिंता मत करो मैं गुलाब ने राजी कर लेशी हूं हाँ करणी री काई इच्छा है मारी समझ में आई कोनी बीरी माया तो बाई जाने अरे मारी लाडली गुलाब प्यावरी बात सुन रोबिन लाग गी नहीं जीजी भाई से नहीं मैं वो ब्याह नहीं करूंगी मैं वो ब्याह कदे नहीं करूंगी क्यों मैं तो जीजा जी ने हमेशा मान और आदर दियो है और अब बाकी सागे नहीं नहीं मैं आपरे सुहाग रे सुख में कांटो बड़र कदे सुखी नहीं रह सकूली मैं बाकी साथ ब्याह नहीं करूली मैं बाकी साथ ब्याह नहीं करूली तू बहुत भोली है गुलाब तू मैंने हालता ही को नहीं समझी मैं महारो ब्याह पापूजी माँ और समाज री मर्यादा ने राखण वास्ते ही करियो है मैं संसारी जीव कोनी, पने समझ मेरी कोशिश कर
मैं आपने चीची भाई आज तक को नहीं समझ सके। गुलाब, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ो विश्वास लेकर आई हूँ, कहीं तुम्हारे विश्वास ने तोड़ देसी, तुम्हारी चीची भाई सारे आस पर पानी फेर देसी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, मैंने गलत मत समझ, मैंने गलत मत समझ। नहीं जीजी भाई साहब, मैं अपने कदे गलत को नहीं समझ सकूं, मैं कदे गलत को नहीं समझ सकूं। तो मैं करूं ब्याह की तैयारी? आपने तो ठाई होसी कि मैं दूजा क्यों पढ़निया। मैंने सब ठा है, आपसे अरज करूं हूं जीजी भाई साहब, बारे बारे में तो आप सुनी होसी। पहली तो आने बारे में सुनी ही, तो अब जान भी कहो हूं जीजी भाई साहब। संसारी औरत को नहीं, एक देवी रा अवतार है, माँ बाप और समाज में बात रखने रे वास्ते बे आपसे ब्याह करे हो। बस अब तो थे ही मारी अर्धांगिनी हो और थे ही मारी जीवन संगी। जय माता जी रे। जय माता जी रे। बोलो नी काका, काई करे? काका बोलो नी। बोलो, काई बात है? आप लोग काई कहनो चाहो हो? माना कोई कहनो है, बात आ है भाई साहब के थारा जनावर पानी पिया पछे महारा जनावर तिरसा रह जावे। एनु वास्ते आपरे जनावरा ने गांव रा जनावर पानी पी ले, दी के पाछा पानी पिला करो, नहीं तो। नहीं तो काई भाई साहब? नहीं तो अपने जनावरा ने पानी पाने वास्ते कोई और ठिकानो देख लो। हमारे ठिकानो छोड़ने के पछे अठेरे जिनावरा वास्ते इन कुएं रो पानी पूरो पड़ जासी ना।
ठीक है, था लोगा की आई मर्जी है तुम्हें इन गांव ने छोड़कर चला जासा। जब तो थे लो खुश रह सुनी। दशरथ जी, सारंग जी, अपनी गाय ने लेकर चलो। जो हुकम। आप तो सारा दिन घर में रहो, उठी ने करनी जी सारी गायें संभाल ले रखी है। आप रो भी फर्ज होया करे है, क्यों ना रे काम काज में थोड़ा हाथ बटाओ। मैं काई करूं, बे तो मैंने किनी काम काज में हाथ लगावन देवे कुन। गुलाब भाई सा, अब आपा ने गांव में कोनी रहनो। काई हुए हो चीजी भाई सा? क्यों, आपने कोई क्यों कह दियो काई? सगलो गांव नाराज है, कहवे है कि आपनी गाय सगलो पानी पी जावे और बांका जिनावर फिरसा रह जावे। तो इन वास्ते गांव छोड़ना जरूरी है? गांव छोड़ांगा और अपनी गाय भी सागे चलसी, ताकि कुए को पानी आके जिनावरा वास्ते पूरो पड़ जावे। इमे गांव छोड़ने की कोई जरूरत कोनी, मैं आबारी जाऊं और बांस से बात करके आऊं। नहीं, आपरे जाने की जरूरत कोनी। मैं उपको विचार कर चुकी हूं कि आप आई गांव ने छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जावाला। आप लोग चालन रीति तैयारी करो। यो कोनी हो सके, आपने बाप दादा रो गांव और आपने धरती क्यों छोड़ा? आप मेरी बात ने समझो। पण इमे काई बेटा, बेटा देखो, बिलनी जिया कहवे आपने बाप बात मान लेनी चाहिए। पण बापू, बस चालन रीति तैयारी करो। जो आ गया बापू। गांव वाला ने अनाथ बना के मत जाओ। देखो सारो गांव बिलक बिलक के रो रहे है। उठो काकी सा, अब तो मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं मारो परिवार इन साठिका में नहीं रह वाला। चठेरा लोग जिनावर रे पानी पीवन वास्ते ओछी बात करे, मारो अपमान करे, इसे गांव में मैं नहीं रह वाला। मासा, अब की बार माने माफी दिला दो। आगे सो गांव रो एक टापर भी आपरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेला। मारी गलती क्षमा कर दो माने, क्षमा कर दो। उठो, नहीं अब मैं इन गांव में नहीं रह वाला। आप लोग राजी खुशी सुख सो रहे हो। लेकिन माता जी, मैं सुखी किया रह सका, गांव रखूंगा सूख गया पानी खा रहे हो गयो। तो ठीक है, एक कुएं रो पानी था सब लोग आरे वास्ते पीवन जिसो हो जावेला, लेकिन पानी री कमी हमेशा रहेला। पढ़ते मत जाओ माता जी, पढ़ते मत जाओ। नहीं, आप जैसा और लोगा ने सीधा करण वास्ते मैं संसार में आई हूँ। ई वास्ते मने आगे जानो है। आप सब गांव वाला ने मारो आखरी राम राम, राम राम। पानी को कुओ है, गाय ने पानी पिलास्या फिर चालस्या। दशरथ गाय ने लेकर चाल। जो हुकम माता जी। पहले पानी मारा जिनावर पिसी। अरे मैं कहो जी को सुनो है कि कोनी? सुन लियो।
पहली मारी गाय पानी पीसी थारी गाय पीसी देखा किया पीसी खबरदार जे मारे जिनावरा के आंगली भी लगाई तो ए राव कान्हा जी का पशु है पहले पानी है पीसी राव कान्हा ही धरती का मालिक है राजा है राजा होसी थाने का है मैं थाने कह दियो ना कि पहला पानी मारा जिनावर पीसी थाने आगे जानो है अरे किसना चाला पा राव कान्हा जी ने केवा हाँ चल जय माता जी आओ आओ रिडमल जी आओ विराज अबार सीधा चांडासर से आ रहे हो हाँ मैं भुआ करनी के दर्शना वास्ते साठिका जा रही हूँ मैं सोचो आपने भी ले चाल और भुआ करनी का दर्शन करा लिया अरे भैया रिडमल इसी ना जाने कितनी चाड़िया मारी धरती पर ठोकर खाती फिर है और फिर उन भिखारन से काई मिलन वालों है उल्टो आने की न की देनो ही पड़े है मैं कोनी चालू थाने बिरी आशीषरी इतनी भूख है तो थे जाओ काई बात है भैरू किसना अंदाता है डरोड़ा सा क्यों लागू हो अंदाता था कोनी बालू गाय कौन है बी के सागे घनी सारी गाया है और अपने कुओं पर मजे से पानी पिलावे है अपना जिनावर तीसरा ही खड़े है पहले अपने जिनावरा ने पानी क्यों नहीं पिलाओ मैं बिना बहुत समझाई पण बा मानी कोई नहीं के वो पहले मारी गाय पानी पीसी कौन है ऐसी लुगाई जो राव कानारी धरती पे खड़ी होके काना सु टकरानो चावे है राव सा ए तो करनी भाई सा लागे है कौन करनी भाई सा बात चारनी जी के दर्शन तू भूखो है अरे बाप भिखारण ठीके कन्ने आपने जिनावरा के खातिर पानी को कुओ को नहीं बात अने कह देसी चलो रिडमल जी आज आपनों भी तमाशो देखो ये घोड़ो तैयार करो मैं अब आ रहा हूं नाम बुआ जी चिरंजीवी हो थारो राज हमेशा फले फूले जी धरती पर थे उबा हो ई धरती पर ही थारा वंशज राज करे इन धरती रो मालिक मैं हूं आरा वंशज क्या राज करसी मैं आजरी बात को नहीं करू हूं मैं कितना भगवान हूं अटे अचानक आपरा दर्शन हो गया नहीं तो कठे साठी का और कठे जांगलू मैं सगला परिवार के सागे साठी का गांव छोड़ दियो हूँ रिडमल जी क्यों बटे भी ओई मारी काय ने पानी पीवन वास्ते झगड़ो गांव में कुओ तो एक और जिनावर घना सारा सगला जिनावरा ने पानी पूरो को नहीं पड़तो ही वास्ते ही गांव छोड़ दियो थारे पशुआरे वास्ते गांव छोड़ दियो तो मारे जिनावरा ने तिरसा राखन री हिम्मत क्या करी मारे आदमिया के मना करने पर भी थे मानो को नहीं कहीं थारे बाप लो राजा राव सा धीरज रखो मुंडे से आवड़ा बावड़ा मत ना बोलो आप है करनी भाई सा आप करनी भाई सा अरे होसी कोई करनी भाई सा घनी करनी भाई सा फिरे मारे राज मारा पशु तिरसा रह गया देखो कहीं होसी देखो कुएं में एक बूंद पानी कोनी सीजा ताई पशु तिरसा मर जासी इन कुएं ने पानी सुभरण में लागे पूरो आठो दिन रिडमल जी थे दोनों बैला ने चड़स में जुता दियो कुएं में तो पानी भरेड़ो है जी बुआ सा कुएं ने पानी तो है ही कोनी चड़स में कहीं आवेलो थे चड़स चलाकर तो देखो कुएं में पानी है कि कोनी अरे भाया बैला ने जोत अरे बैला ने काई जोते हैं रिडमल कुएं को पिंडो सूखो पड़े है देखे कोनी एक छाटो पानी कोनी कदई कदई आंखिया होता भी देखेड़ो भी झूठो हो जाया करे है थे तो चड़स चलाओ आ!
नहीं तो कुएं में हो, क्यों अंधेरो होने के कारण देखियो कोने। भाई साहब, और तो करनी भाई सारो चमत्कार है। अंदाता कुएरो पिंडो पूरो भर गयो है। इतनो जल्दी? हाँ अंदाता, जनावर पानी भी पीना शुरू कर दियो है। काई या तो मन ने कोई जादू करनी लागे है। अच्छा रिडमल जी, मारी आवड़ माता थाने सुखी राखे। बुआ जी, अब आप रो विराजने रो विचार कठे है। चठे आज सूरज अस्त होसी, बठे ही मारो पक्को ठिकानो होसी। रुको, रुक जा, रुक जा। बापू जी, आज जगह बहुत सोहनी है, अठे गाय वास्ते खास भी मोकलो है। आपा अपनी बस्ती अठे ही बसावला, आवड़ माता रो यही हुक्म है। बिनणी जी की जगह थाने पसंद है, बठे ही अपनो आसरो बना लियो। सारंग दशरथ जी, इन मैदान में आपनो खेमो बनावनो शुरू कर दियो। जो हुकम। जाओ। दशरथ, और थे लोग काई कर रहे हो? खाचोड़ो बनावट ताई, दो चार मोटी मोटी लकड़ियां और घासी पुलिया चाहिए। पर इतरो सारो सामान आसी कटे सु। किसना? हाँ हाँ बोल भाया,
एक करनी भाई सा तो अठे डेरो डाल लियो दिखे अना पूछा तो सरी क्या लोग अठे आराम करने वास्ते रुके है के रेवने वास्ते। अरे आपाने पूछनी काई जरूरत है, आने जब जानो उसी चला जासी। अरे के चला जासी, अठाई घना दिन ठहर गया तो आ की गाया जंगल को सगड़ो घा चढ़ जासी, फिर राव का नजीरा ढांडा तो भूखा मर जासी। बात है वो बात तो तू सोला आने सची कही। अबे काई करा देख। अरे अरे भाया अठिने आजा 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 भाया अठिने आजा। अरे थे लोग हालता है जोड़ छोड़ गया कोनी के तो काई अठे विश्राम करने को विचार है था को नहीं अवार तो अठे ही बसने रो विचार करियो है तो काई हमेशा के वास्ते रावण को विचार है। हाँ सर अपने आ खबर राव काना जी ने कर देनी चाहिए।